बिहार के गया के पटवा टोली में इन दिनों छात्राएं राखियां बना रही हैं। ये छात्राएं खुद राखियां बना रही हैं। उनके हाथों की बनी राखियां इस बार भाई बहन के अटूट प्यार के पर्व रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जाएगी। यहां से पिछले कई सालों से LOC पर तैनात जवानों को हजारों राखियां भेजी जाती हैं। इस बार PM को भी राखियां भेजी जाएंगी। छात्राओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, उन्हें रोजगार करना सिखाया, छात्राओं के भी हित में कई मुद्दे उठाए हैं। गौरतलब है कि ये वो छात्राएं हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं। ये संस्था छात्र छात्राओं को IIT की तैयारी निःशुल्क करवाती है। इस संस्था से सैकड़ों छात्र छात्राएं सफल हो चुके हैं। यहाँ की छात्राएं काफ़ी जागरूक हैं और जब रक्षाबंधन नज़दीक है तो वृक्ष द चेन्स में पढ़ने वाली छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी बना रही हैं। बॉर्डर पे दिए जाते हैं, जो हमारे रक्षा के लिए बॉर्डर पे रहते हैं सिपाही, वो लोग को भेजे जाते हैं। जो घर नहीं जा पाते, अपनी बहन लोग से राखी नहीं बंधवा पाते, वो लोग के लिए हम लोग राखी बना रहे हैं। और इस बार हम लोग मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी भेजेंगे। वो हमारे लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी पूरे दुनिया, मतलब पूरा देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं को, छात्रों महिलाओं के लिए। हाँ, साथ और ख़ास करके लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। खुशी रानी, एक डेढ़ महीना हो चुका है और लगभग 2 से 3 हज़ार राखियाँ बन चुकी हैं। और 5 से 10 तक के स्टूडेंट यहाँ पे रोज़ आके 2 घंटा लगे रहते इस चीज़ में बनाने के लिए। इस बार सरहद पर तैनात जवानों और प्रधानमंत्री को भेजा है। हाँ, क्या नाम हुआ? खुशी रानी। कौन से क्लास? 12th से। हाँ, हमारे जो आर्मी लोग हैं उनको पास भेजी जा रही है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको पास भी भेजी जा रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री हम लोग को इतना रक्षा किए हैं, मतलब एज ए भाई की तरह, तो वैसे ही हम लोग भी सोचें कि मतलब हम इतना महिलाओं को हेल्प किए हैं तो हम लोग भी राखी भेज के वहाँ मतलब बांधा जाए और बहन का भी फर्जा निभाया जाए। ये बॉर्डर पर कहाँ कहाँ भेजा जाता है? और पिछले बार के 4-5 जगह हम लोग भेजे थे राखी बॉर्डर के पास, और हम लोग फिर यहाँ सोचे कि अगला बार और भी जगह भेजा जाए ताकि बहुत लोग राखी रक्षाबंधन पर के अवसर पर नहीं जा पाते घर, तो यहीं रक्षाबंधन फेस्टिवल मनाया जाए। यहाँ सब बहने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं? हाँ, यहाँ सब बहने मतलब राखी बना के भेज रही है। ये क्या क्या मतलब यहाँ क्या पढ़ाई करते हैं? यहाँ सब IIT का तैयारी करते हैं और सब लोग मतलब ऑनलाइन क्लास करते हैं और सब सेल्फ स्टडी भी ज़्यादा करते हैं। निःशुल्क यहाँ मिलता है पढ़ाई? हाँ, निःशुल्क होता है। यहाँ जो हर साल की मतलब इंजीनियर लोग बनते हैं, क्या इसमें है? यहाँ तो सबसे पहले कि कोई मतलब जाना जाता है IIT का हर एक तरह से, क्या इसी खासियत से इसे कानपुर के पटवा टोली का? कोई और भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन एक ये वाला फील्ड मतलब IIT का फील्ड है, जो कि यहाँ हर बच्चे के पास ये होती है खूबी कि वो खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सके। और यहाँ की मतलब तैयारी बहुत पहले से तैयारी हो रही है और धीरे 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 और ज़्यादा IIT का खूब बढ़ता जा रहा है। वृक्ष का भी सपोर्ट मिलता है और यहाँ हमारे मतलब वृक्ष जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हम लोग को, ऑनलाइन क्लास देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और जितना भी हम लोग को मतलब चाहिए कुछ तो वो उसमें भी उपलब्ध करवा देते हैं। राखी कब से बना रहे हैं? क्या राखी लगाते हैं उसमें? राखी बनाने के लिए तो बहुत सारे मोती भी खरीदे हैं भैया लोग, ताकि और ज़्यादा भी राखी बन सके। जितना मतलब सुविधा चाहिए उतना भी कर देते हैं और आपस में चंदा करके ये इस से हाँ हम लोग फेडरेशन देते हैं तो उसमें से भी हो जाता है और फिर भैया लोग मैनेज कर लेते हैं। फिर मेरा नाम अस्मिता कुमारी है, मैं यहीं पढ़ती हूँ। इस बार प्रत्येक साल की भांति तो जो बॉर्डर पे तैनात हमारे भाई हैं उनके लिए रक्षाबंधन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, हमारी बहनें राखी खुद से बना रही हैं और उनको भेजेंगी। और ऐसा सिलसिला ये 4-5 साल से चल रहा है कि यहाँ पे ये खुद राखी बनाती है
और जो भी बॉर्डर पे तैनात हमारे भाई बहन हैं उनको रक्षाबंधन सुप्रेम भेंट भेज रही है। अब ऐसा है कि हर एक सबको छुट्टी नहीं मिल पाता है जो हमारे बॉर्डर पे तैनात सैनिक हैं, तो उनके लिए एक प्यारा सा भेंट है, शुभकामना है कि आप जिस जंग को लड़ रहे हैं वो जंग हम लोग इस भारत के अंदर लड़ने वाले हैं, जो कि महिलाएं कहा जाता है कि अब सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक हैं उस तरह हम लोग भी यहाँ पे मजबूतीकरण करेंगे। और ये राखी उसका प्रतीक है, भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है ये। और ये पढ़ लिख करके जैसे अपने साथ में सबको सपोर्ट कर रही है, वैसे भी अपने जो सहयोगी हैं या जो इनसे नीचे पढ़ने वाले हैं या इनके जूनियर्स हैं इनको भी वो पूरा सपोर्ट करेगी। और ये राखी बनाने का सिलसिला तो 4-5 साल से चल ही रहा है, तो ये लोग खुद बोल रहे थे कि इस बार भैया हम लोग तो मतलब नरेंद्र मोदी को भी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी हम लोग रक्षाबंधन भेजेंगे। मतलब एक छोटा सा स्वप्रेम भेंट रहेगा जिसमें ये लोग खुद बोली हैं, ये खुद अभी बना रही हैं राखी और लगी हुई हैं, प्रत्येक दिन 1 घंटा ये लोग समय देती हैं। और इसमें जो क्लासेस 5 से लेकर के 10 तक के बच्चे हैं वो भी 1 घंटा समय देते हैं, और सब अपना अपना जिस तरह से होता है एक अनुमानित रक्षाबंधन के लिए अपना एक राखी तैयार कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है, रीज़न ये है कि जैसे अभी देखा जा रहा है कि हमारे देश का जो तरक्की है वो अच्छा खासा हो रहा है और धीरे धीरे सशक्तिकरण बढ़ता जा रहा है, और कुछ कुछ ऐसा स्टेप्स आया है कि जिसमें महिलाएं खुद को सेफ महसूस कर रही हैं, इसके लिए उनको प्रोत्साहन देने के हिसाब से ये लोग सुप्रेम भेज रही हैं, राखी भेज रही हैं। मतलब भाई बहन, हाँ भाई बहन के हिसाब से वो लोग, मतलब जो प्यारा रिश्ता भाई बहन का होता है उस हिसाब से ये लोग भेज रही हैं सारा। मेरा नाम डुगेश्वर प्रसाद है, मैं वृक्ष विद चेंज जो NGO है उसका प्रेसिडेंट हूँ। छात्राएं PM के लिए स्पेशल राखी बना रही हैं, ये राखी प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी।